नमस्कार दोस्तों, आपको अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, पेट के विषय में आपको कुछ पता चल ही गया होगा, बहुत सारे लोग बता देते हैं। ठीक है, आइए हम इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक, पेट का नोटिफिकेशन इस माह में जारी होगा, पेट का नोटिफिकेशन इस माह में जारी होगा, तो इसका सिलेबस जो है देखो क्या हो सकता है। देखो, संशय सिर्फ अंग्रेजी में है, ये अंग्रेजी के क्वेश्चन पांच नंबर के होंगे। ठीक है, सामान्य हिंदी 15 नंबर, सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर, गणित तर्क 30 नंबर, मतलब गणित और रीजनिंग 30, और सामान्य ज्ञान विज्ञान और सामयिक घटनाएं, सामान्य ज्ञान विज्ञान और करंट, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, ये 50 नंबर के आएंगे। ठीक, सिलेबस बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसानी से क्वालिफाई किया जा सकता है। इस पे अभी जो है सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है। ठीक, अभी जो है क्लियर होकर के आपके सामने जल्द ही जो है ये सिलेबस अपलोड कर दिया जाएगा। टोटल 100 नंबर होंगे, 120 मिनट 120 मिनट आपको जो है हल करने के लिए जो है बताया जाएगा, और 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी, 4 गलत पे एक आपका सही वाला नंबर चला जाएगा, 1/4 जो है आपका निगेटिव मार्किंग होगी। ये जो है पेट का पूर्ण रूप से इतना सिलेबस जो है आपका रहने वाला है। देखो, ये जो पेट है, अगर बंदा थोड़ा पढ़ने वाला है तो पेट आराम से क्वालिफाई किया जाए। देखो, ये छलनी, एक तरीके से छलनी वाला काम कर रहे हैं, मतलब फालतू के लोग जो है अब अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए, इसका सबसे पहले जैसे ही पेट का एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे, पेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद सबसे पहले वैकेंसी AGTA, फिर लेखपाल, फिर शुगर केन की वैकेंसियां 100% आपके सामने देखने को मिलेंगी। AGTA, लेखपाल, शुगर केन, ये तीनों वैकेंसियां पेट के एग्जाम के तुरंत बाद आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें AGTA कम से कम 6000 पोस्टें खाली है, अभी 6000 पोस्टें खाली है। अब वो देते कितना है ये उनके ऊपर निर्भर है, देते कितना है ये उनके ऊपर निर्भर है। तो आप समझ लीजिए, जैसे ही पेट का एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, इसमें बहुत तेजी होगी। मैं आपको बता दूं, अप्रैल मई में इसका पेपर होने की पूरी संभावना है, अभी मैं बता रहा हूं, अप्रैल मई में पेपर होगा, और तुरंत रिजल्ट आने के बाद इन वैकेंसियों को आप जरूर फॉर्म मिलेगा, इन वैकेंसियां, ये वैकेंसियां खुलेंगी, और खुलेंगी, आप डालेंगे फॉर्म, आप डालने को फॉर्म तभी पाएंगे जब आप पेट का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, जब पेट को आप पास कर लेंगे तभी आप इन वैकेंसियों में फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसलिए अब जो फोकस है, आप पेट पे फोकस करिए, किसी तरह आपको पेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है। स्पेशल फॉर AGTA कैंडिडेट्स, प्लीज ध्यान दीजिए, स्पेशल फॉर AGTA कैंडिडेट्स जो बहुत दिनों से लगे हुए हैं, और अभी आप लोगों को मार्च में ज्वाइनिंग मिलने वाली है, मार्च में AGTA कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, उनको एक नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, उनके सबके लिए अभी से शुभकामनाएं, और जो बेचारे बच गए हैं, जो बच गए हैं उनको नेक्स्ट जब वैकेंसी आएगी उनको मौका मिलेगा, तब तक के लिए AGTA, लेखपाल, शुगर केन की वैकेंसी निकलेंगी। इसके पहले आपको जो है पेट के सिलेबस को क्वालिफाई करना है, और हमें विश्वास है आप लोग क्वालिफाई करेंगे, सब अच्छे स्टूडेंट हैं, सब पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। ठीक, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये बहुत सारे लोग कह रहे थे सर पेट वाला थोड़ा मैटर समझा दीजिए, इसलिए पेट को एक बार और मैं समझा चुका हूँ, लेकिन क्या होता है जब तक समझाओ नहीं तब तक जगोगे नहीं, और अभी से मेहनत आप करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको पेट को एग्जाम, पेट को हलवा मत समझना, निगेटिव मार्किंग है, बड़े बड़े ढेर हो जाएंगे, हलवा मत समझना, अभी से लगे रहिए, अभी से लगे रहिए। ठीक है, और दूसरी बात, DHO, बहुत सारे लोग फॉर्म DHO में डाल दिए हैं। ठीक है, DHO की वैकेंसी कृषि से संबंधित आई थी। ठीक है, DHO का नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, DHO का नोट्स अवेलेबल है, अगर आप घर मंगाएंगे तो उसके लिए अलग है,
ठीक, ये मेरा नंबर है 7379823368। डीएचओ की पीडीएफ भी अवेलेबल हो गई है। मैं आपको बता दूं, इस फरवरी में आज 14 तारीख है, 14 तारीख, अगले 1 तारीख, 1 मार्च तक, 1 मार्च तक इसमें ऑफर चल रहा है, 1 मार्च तक ऑफर चल रहा है, ठीक है, डीएचओ डीएचओ नोट्स में 1 मार्च तक ऑफर चल रहा है। डीएचओ नोट्स की जो पीडीएफ थी, डीएचओ नोट्स की जो पीडीएफ थी वो थी 900 रुपये की, वो थी 900 रुपये की। यही पीडीएफ अब 500 रुपये की हो गई है। यही पीडीएफ अब 500 रुपये, पहले 900 रुपये की थी, अब 500 रुपये की है। ये सिर्फ जो है 1 मार्च तक ऑफर चल रहा है, इसके बाद फिर वही चलेगा और उसके बाद मैं यही रेट लगाऊंगा, ध्यान रखना। इसमें आपको एग्रीकल्चर मिलेगा पूरा कंप्लीट, और इसी में आपको जो है एग्रीकल्चर के अलावा जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड मिलेगा। इसमें 2000 क्वेश्चन जीएस के होंगे, मैथ होगी, रीजनिंग होगी, और उसके बाद यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश विशेष भी मिलेगा। अगर आप नोट्स मंगाना चाहते हैं डीएचओ का, तो आप इस पे कॉल कर लीजिए। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस पे कॉल कर लीजिए। पीडीएफ में अभी जो है आपको छूट प्रदान की जा रही है, बाद में नहीं प्रदान की जाएगी। इसीलिए एजीटीए का जो सिलेबस है, एजीटीए का सिलेबस या पिट का सिलेबस, इसके लिए जो है, इसके लिए भी 500 रुपये में पीडीएफ अवेलेबल है। पीडीएफ अवेलेबल है, आप चाहे 1 मार्च तक ले दें, नहीं तो यही पीडीएफ 900 रुपये को हो जाएगी, बाद में फिर जो है मत कहना। आप लोग पिट की बहुत जोरों शोर से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बहुत जल्दी काम स्टार्ट कर दीजिए, बहुत जल्दी, नहीं तो बाद में पछताना ना हो जाए कि हम 1 नंबर से रह गए और हम जो है एजीटीए में नहीं डाल पाएंगे, ठीक है, लेखपाल में नहीं डाल पाएंगे, ये आप फिर जानना, ठीक है। अगर हार्ड कॉपी में मंगाना चाहते हैं नोट्स, तब पर भी हार्ड कॉपी में जो है ये आपको पास उपलब्ध हो जाएगा, आप इस पे कॉल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।